हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा किसी ने भी सनातन का काम किया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाएगा। पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा, जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा, जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा। तो शंकराचार्य जी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए, जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए, पाप या पुण्य। सोना चोरी हुआ है, शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं तो जरूर जांच होनी चाहिए, राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। हमने ये भी कहा है कि मोदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो करते जा रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनका नाम भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और सम्राट अशोक के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी एक अकेले ऐसे नेता हैं देश की आजादी के बाद और देश की आजादी से पहले जो सनातन के ध्वजवाहक के रूप में पूरे विश्व में, विश्व के पटल पर, जिन्होंने भारत का और सनातन का ध्वज पूरे विश्व के पटल पर फहराने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा किसी ने भी सनातन का काम किया है, राष्ट्र का काम किया है। मां भारती के सच्चे सपूत हैं मोदी। नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो करो, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र का ख्याल करो, मां भारती का ख्याल करो।